गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, यू ऑलरेडी नो अबाउट द एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस. एपोमिक्सिस दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हियर ओनली वन गैमेट विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, एंड एम्फीमिक्सिस दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली विच मीन्स मेनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, मीन्स मेनी एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ओके, इट इज़ डिफाइंड एज अकरेंस ऑफ टू और मोर एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल. अगर हम बात करें सिंगल ओव्यूल की, तो सिंगल ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी. जस्ट लाइक आपने सिट्रस में देखा होगा, सिट्रस की जितनी वेराइटी होती है लाइक लेमन, ऑरेंज. ओके, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंड स्कैनाफ इट इज़ मे बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी दैट इज इन सेम एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियो, एंड डिफरेंट एम्ब्रियो सैक दैट इज फॉल्स एम्ब्रियो. देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, फर्स्ट टाइप दैट इज क्लीवेज टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. Cleavage type of polyembryony, it results the cleavage of the zygote. Means कि अगर zygote में suppose ये zygote है तो zygote में division हो रहा है तो उसके बाद ये form करेंगे there are so many embryo. Okay, within a single ovule that is polyembryony, like lobelia, Nicotiana rustica, it is rare occurrence in angiospermic plant. Cleavage type of polyembryony is very rare occurrence in angiospermic, means flowering plants जो होते हैं उसमें बहुत कम cleavage type of देखा जाता है, बाकी other plants में like gymnosperms इन सब में देखा जाता है. Next है embryo from cells of embryo sac other than egg. Okay, it may appear from synergids and antipodal cells in the embryo sac. बेसिकली जो एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिट्स होते हैं उनसे इनका फॉर्मेशन होता है, वही चेंज होके एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाते हैं लाइक एलियम ऑर्डेरम. ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी दैट इज एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम एंडोस्पर्म. एल्नस एंड बेलेनोफोरा एक प्लांट होता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो से फॉर्म होता है. ओके, सॉरी, एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म से फॉर्म होता है. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. एज अ नेम सजेस्ट, पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन. ओके, मींस पॉलन दैट इज फीमेल दैट इज मेल गैमेट, पिस्टिल दैट इज फीमेल गैमेट, बोथ आर इंटरेक्ट टू ईच अदर. सो डिफाइंड एज इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलिन दैट इज मेल गैमेट एंड पिस्टिल दैट इज फीमेल गैमेट इज नोन एज पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन. ओके, एंड वन थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इट रिक्वायर स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी आपको मैंने बताया है कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड स्टिग्मा. ओके, and here a pollen grain. Okay, this pollen grain and stigma means pollen pistil interaction is known as pollen pistil interaction. अब इंट्रैक्शन का सेंस क्या है कि अगर स्टेबिलिटी मीन्स सेम काइंड ऑफ पॉलिन होगा, जिस स्पीसीज का ये फीमेल पार्ट है उसी स्पीसीज का पॉलिन भी होगा तो वो ईजिली पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन होगा एंड जाके एग से फ्यूज करेगा. बट अगर सेम स्पीसीज का नहीं है देन ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. सेकेंड थिंग इज अ मेंटेनेंस रीजनेबल डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन सेम स्पीसीज. मीन्स अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें लाइक उनके एलील्स की बात करें, कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर ए एलील है तो इसी के टाइप से हम इसको फ्यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि बी से इसको फ्यूज करा देंगे, ठीक है ना. एंड देर आर सो मेनी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द राइट टाइप ऑफ द स्टिग्मा. ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिन ग्रेन जो भी स्टिग्मा पे आ रहा है वो उसी प्लांट का हो.
तो जो उस प्लांट का होगा वो पॉलिन उसमें जर्मिनेट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि वो सही टाइप ऑफ पॉलिन है या नहीं, इसीलिए पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन मेथड है। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन वेदर इट इज़ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। पिस्टिल जो है बेसिकली उसका फंक्शन यही है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि वो कंपैटिबल पॉलिन है या इनकम्पैटिबल, दैट मीन्स कि वो सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का पॉलिन है या दूसरे स्पीसीज का पॉलिन है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द राइट टाइप ऑफ द स्टिग्मा अलाउ द पॉलिन टू जर्मिनेट। जो स्टिग्मा करेक्ट पॉलिन अगर उस पर आया होगा तो वो अलाउ करेगा उस पॉलिन को जर्मिनेट करने के लिए, एंड देन पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होगा। एंड लास्ट पॉइंट, इट पॉलिन इज रॉन्ग द स्टिग्मा रिजेक्ट द पॉलिन। अगर कोई रॉन्ग पॉलिन उस पे स्टिग्मा पे आके स्टिक होता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, एंड प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। होप ये पॉइंट आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।